निवेदिता। दक्षिण एशिया का राजा कौन, इसको लेकर चीन और भारत में नोकझोंक चलती रहती है और दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खड़े रहते हैं और दिखाते भी हैं। और यही नहीं, दोनों देश अपनी रणनीति को भी एक दूसरे को घेरने को लेकर ही बनाते हैं। इसी कड़ी में भारतीय सेना भी चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बना रही है और इसी को लेकर उत्तराखंड में चीन से सटी सीमा के पास भारतीय सेना एयरफील्ड बनाने की योजना बना रही है और सीमाई इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सेना इसका निर्माण करा रही है, जिससे सीमा से सटे गांव को भी फायदा होगा। उत्तराखंड के टिहरी में रविवार कॉन्क्लेव के दौरान जनरल रावत ने ये बातें देश को बताई। जनरल रावत ने कहा कि भारत की सीमाएं पाकिस्तान और चीन के साथ लगती हैं और इसे ठीक करना सेना का काम है। सेना हमेशा से देश को सुरक्षित रखने में आगे रही है और उसी सोच का परिणाम है कि हम अब उत्तराखंड की चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए ये प्लान बना रहे हैं। हो सकता है कि इस बात को लेकर चीन टेंशन में आ जाए, क्योंकि चीन की सोच हमेशा से विस्तारवाद की रही है और चीन अपने विशाल होने और पैसे के बल पर दूसरे देशों को गुलाम बनाने का काम करता रहा है और करता भी है। यहाँ पर हम दो देशों के बारे में आपको बताते चलें, जिससे आप चीन की विस्तारवादी नीति को समझ सकते हैं। पहला देश है मालदीव्स। चीन ने कर्ज देकर मालदीव्स को गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन मालदीव्स के नेताओं ने इसका विरोध किया और चीन को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकलना पड़ा। इसी तरह पैसे के बल पर चीन ने श्रीलंका को फंसाने का काम शुरू किया था, लेकिन श्रीलंका ने भी वही किया जो मालदीव्स ने किया था। तो आप समझ सकते हैं कि चीन का खेल कितना खतरनाक है। इसी वजह से भारतीय सेना और भारत सरकार सामरिक रूप से देश के सीमा से सटे इलाकों पर अब फोकस करना शुरू कर रही है और इसी के चलते सड़कों, दूरसंचार, रेलवे लाइनों और विस्तारवादी नीति का अभियान चलाया जा रहा है और इसको देखकर चीन बिलबिला रहा है। आपको मालूम है कि डोकलाम घाटी को जोड़ने के लिए भारतीय सड़क परिवहन विभाग ने एक शानदार पुल का निर्माण किया था, जिसके कारण चीन की परेशानी बढ़ी थी। और आपको ये भी याद होगा कि चुंबी घाटी में 2 महीने से अधिक दिनों तक चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच प्रतिवाद चला था। अब इन्हीं सभी कारणों को जोड़ते हुए भारत चीनी सीमा तक पहुँचने के लिए ये सब काम कर रहा है, जिससे चीनी सीमा तक पहुँचने के लिए भारत को परेशानी नहीं होगी। और अब यही कारण है कि भारत चीनी सीमा तक पहुंचने के लिए इस तरह के काम कर रहा है और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अब भारत सक्षम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये हो क्या रहा है और क्यों चीन भारत से टेंशन में है।